नमस्कार दोस्तों मॉक्टिस चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम चैप्टर 16 में से पूछे गए इम्पोर्टेंट सवालों को आपके साथ कवर करेंगे आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से प्रवीण डाइड इन अ कार एक्सीडेंट द बेनिफिशियरी सबमिट्स डॉक्यूमेंट्स फॉर डेथ क्लेम विच ऑफ द बिलो डॉक्यूमेंट इज एन एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ कि नॉर्मली जब डेथ होता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करने पड़ते हैं इंश्योरेंस कंपनी में वहीं पे अगर डेथ एक्सीडेंट के दौरान हुई है तो हमें एक एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा वो इनमें से कौन सा है ये सवाल है ए सर्टिफिकेट ऑफ बरियल और क्रीमेशन बी ट्रीटिंग फिजिशियन सर्टिफिकेट सी एम्प्लॉयर्स सर्टिफिकेट डी इंक्वेस्ट रिपोर्ट तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्वेस्ट रिपोर्ट इंक्वेस्ट रिपोर्ट बेसिकली जो होता है पुलिस द्वारा बनाया जाता है कि कौन से सरकमस्टांसिस में बॉडी पाई गई थी कि उस समय की जो सराउंडिंग किस तरह की थी क्या हो सकते हैं कारण इस तरह की पूरी फैक्ट फाइंडिंग को जो है लिखा जाता है इस तरह का जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है ये जमा करना पड़ता है इनकेस डेथ जो है किसी एक्सीडेंट के दौरान हुई हो नेक्स्ट गिवन बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ पॉलिसीज़ आइडेंटिफाई अंडर विच टाइप ऑफ पॉलिसी द क्लेम पेमेंट इज़ मेड इन फॉर्म ऑफ पीरियडिक पेमेंट यानी कि इन बताई हुई पॉलिसीज में से कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसमें जो क्लेम पेमेंट मिलता है सर्वाइवल का वो पीरियोडिक बेसिस में मिलता है एक साथ लंपसम में नहीं मिलता बट एक महीने में एक बार या फिर साल में एक बार ऐसे मिलता है ऑप्शन है ए मनी बैक पॉलिसी बी यूनिट लिंक् इंश्योरेंस पॉलिसी सी रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी डी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मनी बैक पॉलिसी आपने देखा होगा ऐसे मंथली इनकम प्लान्स आते हैं ये मनी बैक प्लान्स होते हैं जहाँ पे जो है आप पहले 12 साल तक जो है प्रीमियम देते हैं और अगले 12 साल तक आपको उसमें से इनकम मिलने लगती है वो भी पीरियोडिक बेसिस में तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट विच ऑफ द बिलो डेथ क्लेम विल बी ट्रीटेड एस एन अर्ली डेथ क्लेम कि अगर हम किसी का डेथ क्लेम जमा करते हैं तो उसमें अर्ली डेथ क्लेम मतलब ऐसा डेथ क्लेम जो कि तीन साल के अंदर अंदर हुआ हो कि पॉलिसी हमने ली उसके तीन साल के अंदर अगर डेथ हो जाती है तो उसे हम अर्ली डेथ क्लेम कहेंगे तो ऑप्शन है यहाँ पे इफ़ द इंश्योर्ड डाइज विद इन थ्री ईयर्स ऑफ द पॉलिसी ड्यूरेशन बी इफ द इंश्योर्ड डाइज विद इन फाइव ईयर्स ऑफ द पॉलिसी ड्यूरेशन सी इफ द इंश्योर्ड डाइज विद इन सेवन ईयर्स ऑफ पॉलिसी ड्यूरेशन तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है विद इन थ्री ईयर्स अगर डेथ हो जाती है तो उसे हम अर्ली डेथ क्लेम कहेंगे नेक्स्ट गिवन बिलो आर सम इवेंट्स दैट विल ट्रिगर सर्वाइवल क्लेम्स आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कि नीचे दिए हुए इवेंट्स में जो है सर्वाइवल क्लेम्स मिलेगा बट इनमें से एक ऐसा इवेंट है जो कि इनकरेक्ट है वो कौन सा है ए क्लेम पेड ऑन मेच्योरिटी ऑफ अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी

तो जो मनी बैक पॉलिसी में आप जानते हैं कि 12 साल का पीरियड जैसे ही ख़त्म हो जाता है तब जो है रेगुलर इनकम आनी चालू हो जाती है वहीं पे अगर क्रिटिकल इलनेस का कोई इवेंट हो जाता है तो जो क्लेम देना पड़ जाता है वहीं पे जो तीसरा इन्होंने इवेंट बताया है वो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में मेच्योरिटी की बात की है जो कि एक गलत स्टेटमेंट है हालाँकि आज के डेट में कई सारे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज दावा देते हैं मैच्योरिटी पर जो है प्रीमियम रिटर्न करने का बट कायदे से देखा जाए तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में मेच्योरिटी पर कोई क्लेम नहीं मिलता है इन केस ऑफ डेथ अगर वो टर्म दौरान होती है तो ही क्लेम दिया जाता है तो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट कहलाएगा नेक्स्ट अ पेमेंट मेड अंडर मनी बैक पॉलिसी अपॉन रीचिंग अ माइल स्टोन विल बी क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ क्लेम कि मनी बैक पॉलिसी में अगर हम किसी माइल स्टोन पर रीच करने पर जो हमें क्लेम मिलना चालू होता है उसको हम कौन सा क्लेम कहेंगे ए डेथ क्लेम बी मेच्योरिटी क्लेम सी पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम डी सरेंडर क्लेम तो दोस्तों ऐसे मैंने आपको बताया था मनी बैक प्लान में बारह साल से अपने प्रीमियम भरे उसके बाद अगले बारह साल तक हर साल जो है हमें इसमें क्लेम मिलना चालू हो जाता है जिसे हम कहेंगे सी पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम के हमें जो है एक साथ ये पैसा नहीं मिलता बल्कि हमें इस पीरियडिकल बेसिस में जो है क्लेम का अमाउंट मिलता रहता है नेक्स्ट विच ऑफ द बिलो डॉक्यूमेंट इसडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ एज़ कम्पेयर तो दोस्तों यहाँ पे वापस ही ये सवाल रिपीट किया गया है क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं चाहता हूँ कि अगर मैं दो बार भी रिपीट कर लूँ तो भी आपको ये जो इसका आंसर है वो याद रहे यहाँ पे ऑप्शन है ए सर्टिफिकेट ऑफ बराइल और क्रिमेशन बी ट्रीटिंग फिजिशियन सर्टिफिकेट सी एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट डी इंक्वेस्ट रिपोर्ट इंक्वेस्ट रिपोर्ट को हम पंचनामा भी कहते हैं कि किस हालात में डेथ हुई उसका जो पंचनामा होता है वो भी हमें जमा करना पड़ता है अगर डेथ एक्सीडेंटल बेसिस में हुई है तो नॉर्मल डेथ से अलग हुई है तो तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नेक्स्ट शंकर बॉट अ टेन ईयर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इफ़ ही डाइज बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी विच ऑफ द बिलो विल बी पेड आप जानते हैं दोस्तों कि यूलिप प्लान जो होते हैं इसमें जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो मार्केट में हो सकता है अच्छे रिटर्न्स मिले नेगेटिव रिटर्न्स मिले बट ये जो टेन इयर्स का जब इन्होंने यूलिप प्लान लिया इसके बीच में अगर इनकी डेथ हो जाए तो इनको क्लेम का क्या अमाउंट मिलेगा क्या इन्हें वो अमाउंट मिलेगा जो कि मार्केट में अभी तक उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है उस पर जो रेवेन्यू आया है या फिर उनका जो नॉर्मल टेन टाइम्स ऑफ द प्रीमियम का अमाउंट जो है वो मिलेगा ऑप्शन है यहाँ पे ए लोअर ऑफ द सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू बी हाइयर ऑफ द सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू सी प्रीमियम पेड विल बी रिटर्न विथ टू परसेंटेज हाइयर इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू बैंक सेविंग डिपॉजिट तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है हाइयर ऑफ द सम एश्योर और फंड वैल्यू आपको बताता हूँ कैसे मान लेते हैं कि इस प्लान में उन्हें पाँच साल तक प्रीमियम देना था एक, -एक लाख रुपये का प्रीमियम तो पाँच साल में होते हैं पाँच लाख प्रीमियम हो सकता है मार्केट अच्छी कंडीशन में था तो पाँच साल के बीच में अगर चौथे साल में अगर इनकी डेथ हो जाती है तो टोटल इन्होंने चार लाख का प्रीमियम दे दिया होगा और हो सकता है उनकी जो उस समय की फ़ंड वैल्यू है वो छः लाख रुपए हो गई हो ऐसे केसेस में दो चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा प्रेजेंट फंड वैल्यू जो कि छः लाख है और जो सम सम्योर्ड की वैल्यू जो कि नॉर्मली यूलिप प्लान में प्रीमियम का दस गुना होता है यानी कि दस लाख रुपये इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो रेवेन्यू जो है वो डेथ क्लेम के रूप में दे दिया जाएगा तो इस केस में आप जानते हैं कि टेन टाइम्स ऑफ वन लाख जो है टेन लाख रुपीज़ का अमाउंट जो है वो नॉमिनी को मिलेगा ना कि सिक्स लाख रुपीज़ का फंड वैल्यू अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है जिसमें फ़ंड वैल्यू जो है दस लाख के भी ऊपर है बारह लाख है तो उस केस में जो फंड वैल्यू का अमाउंट क्योंकि ज़्यादा है उस केस में फ़ंड वैल्यू का अमाउंट रिलीज़ किया जाएगा क्योंकि कई सारे केसेस में ऐसा होता ही नहीं है हमेशा आप देखेंगे सम एश्योर्ड का जो अमाउंट का वैल्यू होता है वो फंड वैल्यू से ज़्यादा ही निकल कर आता है अगर इनिशियल स्टेजेस में व्यक्ति की डेथ होती है तो नेक्स्ट बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेम्स अर्ली और नॉन अर्ली पिक द ऑड वन आउट यहाँ पे क्लेम्स आए हुए हैं अलग अलग लोगों के इनमें से ऑड वन को आपको पिक करना है ऑप्शन है ए रम्या डाइस आफ्टर फाइव इयर्स ऑफ बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान बी मनोज डाइस आफ्टर वन एंड हाफ ईयर्स ऑफ बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान सी डेविड डाइस आफ्टर टू एंड हाफ ईयर्स ऑफ बाइंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान तो कौन सा ऑर्ड वन आउट है डेफिनेटली ऑप्शन ए जो है वो ऑर्ड वन आउट है क्यों ऑर्ड वन है क्योंकि आप देखेंगे ऑप्शन बी और सी में थ्री ईयर से पहले ही डेथ हो गई है यानी कि वो अर्ली डेथ क्लेम की क्राइटेरिया में आएगा वहीं पे रम्या जी की जो डेथ हुई है वो फाइव इयर्स के बाद हुई है पॉलिसी लेने के बाद इसलिए वो ऑड वन आउट या फिर अलग निकल कर आता है क्वेश्चन है एज पर आई प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट रेगुलेशन टू अ क्लेम अंडर अ लाइफ पॉलिसी शैल बी पेड और बी डिस्प्यूटेड विद इन डैश डेज फ्राम द डेट ऑफ रिसीप ऑफ ऑल रिलेवेंट पेपर्स एंड क्लेम यहाँ पे बोला गया है कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और हम जो है उसको क्लेम करते हैं तो कितने दिनों के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी का जवाब आ जाना चाहिए या फिर क्लेम का अमाउंट हमें मिल जाना चाहिए जब हम सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं वो जमा कर दें तो ऑप्शन है ए सेवन डेज बी फिफ्टीन डेज़ सी थर्टी डेज डी फोर्टी फाइव डेज तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्टी डेज थर्टी डेज़ के अंदर ही अंदर हमें क्लेम का अमाउंट मिल जाना चाहिए और अगर मान लेते हैं नहीं मिलता तो पॉलिसी के अंतर्गत कंडीशंस ऐसी भी होंगे कि जितना डिले हो रहा है उतना जो इंटरेस्ट का अमाउंट जोड़ के जो है क्लेम का अमाउंट दिया जाएगा